हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर डूइंग एक्सरसाइज 1.3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन है बेटा, फाइंड। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल थोड़े डिस्कस किए थे, लेकिन आज मैंने इसी टाइप से फिर से एक दो क्वेश्चंस मिक्स करके पूछे हैं कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नाइन्थ में भी आपको मिलेंगे। इसीलिए मैंने इसको फिर से एक छोटा सा सेट बनाया है दो क्वेश्चंस का। फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन, रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 3/4। ठीक है, अब देखिए, एक रैशनल नंबर फाइंड करने की कंडीशन जो होती थी क्या होती थी सर? एक रैशनल नंबर फाइंड करने की कंडीशन होती थी सर, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड। मींस अगर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए सर और 1/2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है भाई, जो 2 डिवाइड में होता है, जब डिवाइड से साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1/2 तो हो जाएगा ना। तो ये 1/2 मैंने ऐसे नोट कर दिया, कोई दिक्कत की बात थोड़ी नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने एलसीएम लिया 5 और 4 का। ठीक है, 5, 4 का एलसीएम क्या हुआ? 20। ठीक है, और अब 20 जो एलसीएम आया वही डिनोमिनेटर में भी मेक करना है। मींस फर्स्ट वाले रेशनल नंबर में 4 का मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले में 5 का मल्टीप्लाई होगा। मींस फर्स्ट वाला जो रेशनल नंबर है वो कंप्लीट हो गया, 16/20 हो जाएगा, और सेकंड वाला 15/20 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इनको एडिशन, देखिए डिनोमिनेटर इक्वल ही हो गया है, न्यूमरेटर इजीली ऐड हो जाएगा, 31/20 होगा, एंड जो फाइनल आंसर होगा 31/40 आपका बन जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी सभी को। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रोप ऑफ लेंथ 12 होल 1/2 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पीसेस। एक 12 होल 1/2 मीटर्स की एक बड़ी सी रोप है, रस्सी है, उसको 10 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीसेस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। ठीक है, डबल बार रिपीट हो गया है तो इसको माइंड मत करिएगा। ठीक है, इस लाइन को कट कर लीजिए, एक ही बार है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। सो टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज 12 होल 1/2, और इसको फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 12 2 12 24 + 1 25/2। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वल पीसेस कितने डिवाइड हुए हैं? 10। सो लेंथ ऑफ ईच पीसेस, सपोज दैट बेटा 10 मीटर की रोप हो, ठीक है, और उसको जो है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, तो हर एक की लेंथ क्या होगी? तुरंत बता दोगे सर 10 का 5 2 मीटर की होगी। क्यों, कैसे निकाला बेटा? टोटल लेंथ में हमने टोटल पार्ट्स का क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी टाइप से देखिए, जो टोटल लेंथ है उसमें टोटल मैंने पार्ट्स का क्या कर दिया है? डिवाइड। ठीक है, टोटल लेंथ में टोटल पार्ट्स का डिवाइड कर दिया है, देखिए। ठीक, और जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 10 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। कटिंग कर लेंगे, 5/4 मींस 1 होल 1/4 मीटर हो जाएगा। मींस लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रोप इज इक्वल्स टू 1 होल 1/4 मीटर। ठीक है, अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, अब देखिए, इसी क्वेश्चन को फर्स्ट वाले को मैंने कन्वर्ट करके आ की जगह 9 कर दिया। फाइंड 9 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/4। ठीक है, तो देखिए, जो डिनोमिनेटर इक्वल करने वाला प्रोसीजर है वो तो यहाँ भी इतना ही सेम होता है। कल भी मैंने बताया था, डिनोमिनेटर इक्वल वाला सेम होता है। अब हमको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 9 है, तो एक बढ़ा के 10 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मतलब जितने फाइंड करने होते हैं, कल मैंने क्या बताया था, जितने भी आपको फाइंड करने होते हैं उससे 1 प्लस करके आपको मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, मींस मल्टीप्लाई बाय 10 इन ईच रैशनल नंबर। अगर 10 फाइंड करने हो तो 11 का मल्टीप्लाई कराते, 12 फाइंड करना हो तो 13 का मल्टीप्लाई कराते। ठीक है, मींस 15/10 एंड 16/20 में 10 का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, मींस 150/1200 एंड 160/200। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, इनके बिटवीन नंबर कौन से होंगे? 151/200 152/200 153/200 154/200 159/200। काउंट करेंगे, 9 ही रैशनल नंबर फाइंड होंगे। इसी टाइप से एक क्वेश्चन मैंने और पूछा है आप लोगों से, फोर्थ नंबर, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 70 होल 4/5 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 होल 3/4 आवर्स।
वन आवर में अगर इतनी डिस्टेंस कवर हो रही है तो थ्री होल 3/4 आवर्स में कितनी कवर होगी, तो समझने वाले समझ गए होंगे। वन का गिवन है, मोर का फाइंड करना होता कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी होती, तो ये आपका होमवर्क है। ओके, सो पहले इतना आप होमवर्क कंप्लीट करके रखेंगे और क्वेश्चंस को, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस कर लेंगे। ओके, टेक केयर।